फेमिनिज्म कॉम्बैट की खास मुलाकात में आपका आज स्वागत है। हमारे साथ रहेंगी वृंदा कराट जी, सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो मेंबर और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी एडवा, एक जुझारू नेता और फायर ब्रांड एक्टिविस्ट, जिसके साथ हम आज मुलाकात लेंगे। वृंदा जी, आपका स्वागत है। 2014 में वामपंथी ताकतों की क्या अहमियत, वामपंथी ताकतों के क्या रेलेवेंस और आगे कदम क्या होंगे वामपंथी ताकतों के लिए? कि वामपंथियों की प्रासंगिकता तो इसी दो महीने में बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दो महीने में मोदी सरकार का जो ज़बरदस्त हमला है मजदूरों पर, किसानों पर, नरेगा पर, और आरएसएस का जो पूरा नियंत्रण है मोदी सरकार या साथ साथ काम कर रहे हैं वो भी स्पष्ट है। जहाँ इतने सांप्रदायिक घटनाएं हो रहे हैं और मोदी एकदम साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि जितने लोग हैं इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वो हिंदुत्व एजेंडा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों पर कौन लड़ा था, किसने बगैर किसी समझौता का मजदूर, किसान, गरीब, देश की स्वतंत्रता और देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए? तो इसलिए वामपंथियों का प्रासंगिकता तो है ही। जब पूरा माहौल एक कॉर्पोरेटाइज माहौल बना गया है, मीडिया भी कॉर्पोरेट के हाथ में है और एक तरह से हमारी वोटर्स में भी जो युवा पीढ़ी है वो ये मार्केटिंग से काफ़ी प्रभावित हुई है, ये सब संदर्भ में वामपंथी ताकतों किस तरह मुकाबला करेगी, जब पैसे का मामला है, माध्यम का मामला है? देखिए, माध्यम तो हमें समझना पड़ेगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो आ रहा है तो टेक्नोलॉजिकली हमें भी अपने को अपडेट करके कम्पीट तो नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से जाना चाहिए, मैसेज हमारा और व्यापक होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कहती हूँ कि जो लेफ्ट का जो तरीका है जनता के साथ रिश्ते को मजबूत करें अपने नीति आधारित पॉलिटिक्स को, इस बार तो पीछे गए हम, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 60, 30 और 10 पीछे गए इसमें तो कोई, लेकिन 11 लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आप नीति आधारित, तो कब तक लोग झूठ की प्रचार को विश्वास करेंगे? ये भी एक मुझे लगता है सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट्स का जो सीधा हस्तक्षेप है हिंदुस्तान की राजनीति में, मैं समझती हूँ सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली के लिए खड़ा हुआ है। इसके खिलाफ आवाज़ कहाँ से और कब उठेगी? उठ तो रहा है सर, अब सभी उठा रहे हैं ये बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए ना कि 5,000 करोड़ रुपया अगर एक पार्टी और एक व्यक्ति का प्रचार के लिए इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी की बजट से, तो ये इलेक्शन कमीशन ने उस सवाल को क्यों नहीं लिया? कानून बदलने की ज़रूरत है, नियम बदलने तो बदले, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? और आप ये भी देखिए, अजीब बात, किसी को 20% वोट बीएसपी को मिला उत्तर प्रदेश में, एक सीट नहीं मिला। लेफ्ट को 31% वोट मिला बंगाल में, दो सीट हमें मिले, और बीजेपी को देश भर में 31% वोट मिले और दो तिहाई बहुमत में आ गए। तो ये फर्स्ट पास सपोज जो सिस्टम है इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब ये पैसा, कॉर्पोरेट्स, हमारे सिस्टम, जनवादी प्रणाली को हिंदुस्तान में बिल्कुल कमज़ोर कर रहा है। वामपंथी राजनीति और महिलाओं के प्रश्न में कितना टेंशन? टेंशन तो नहीं है, टेंशन तो तब होगा जब कोई टकराव हो। हमारा ये पॉइंट है कि वामपंथी पॉलिटिक्स की राजनीतिक एजेंडा में जो औरतों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, वो एजेंडा केवल महिलाओं के लिए नहीं, वामपंथियों की प्राथमिक एजेंडा का एक हिस्सा के रूप में लाने की ज़रूरत है। कुछ हद तक पिछले दशक में काफ़ी इसमें बदलाव आया और काफ़ी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन और भी इस पर जोर देने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन का तो बहुत इसमें हाथ रहा है, जनवादी में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का निश्चित रूप पर एक बहुत व्यापक एक रिश्ते हैं। कौन से सवाल एडवा ने उठाए हैं मैं बता, लेकिन मेन बात यह है कि एडवा और सीपीएम एक नहीं है, क्योंकि एडवा की जो सदस्यता है और सीपीएम का,
वो एक नहीं है। तो एडवा का अगर आप मापदंड देखना चाहते हैं, वो कोई भी महिला जिसकी भी कोई पीड़ा हो वो एडवा के पास आए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, एडवा उनकी संगठन बन सकती है। तो पार्टी का वो अलग कार्यक्रम है। इसलिए एडवा ने नागरिक संबंधित जितने भी मुद्दे उठाए, हिंसा संबंधित जितने भी मुद्दे उठाए, और मजदूर संबंधित, किसान संबंधित जितने भी इश्यू हैं उठाए। आज जो हम सबसे पहला एक एजेंडा अगर आप नई सरकार का देखें तो लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच इतिहास में बढ़ाना और पाठ्य पुस्तकों में वापस दोबारा लाना, तो इसके बारे में जो दीनानाथ बात्रा को लेकर जो पुस्तकें गुजरात राज्य में अभी इंट्रोड्यूस की गई है ये साल से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मेरा एक प्रश्न है जी, गुजरात की जनता इसको कैसे बर्दाश्त कर रही है? गुजरात की जनता और गुजरात के बच्चों के ऊपर इस प्रकार का बिल्कुल मतलब बगैर किसी दलील, बगैर किसी सच्चाई थोप रहे हैं, और गुजरात के बच्चों को क्या वो पढ़ा रहे हैं? गुजरात के बच्चे अगर रेसिस्ट शब्द इस्तेमाल करेंगे जब वो NRI बनेंगे अमेरिका में, क्योंकि दीनानाथ बत्रा ने कहा कि एक एफ्रो अमेरिकन एक नीग्रो है और नीग्रो को भैंस जैसे बांधकर सज़ा दी जानी चाहिए जो टेक्स्ट बुक में है, और गुजरात का बच्चा जो अमेरिका का NRI बनेगा ये अगर सोच लेकर जाएगा तो वहाँ तो वो कानून के मुताबिक वो जेल जाएगा। तो वो क्या पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं। सांविधानिक वसूल और गुजरात की पाठ्य पुस्तकों में कोई मापदंड नहीं है, तो शिक्षण में सांविधानिक वसूल सबसे पहले होने चाहिए, मगर RSS और संविधान के बीच में तो बहुत बड़ी दूरी है और RSS ये सरकार चला रही है, तो भारतीय लोकशाही के लिए किस तरह का ये चुनौती? भारतीय लोकशाही की सबसे बड़ी चुनौती ये है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगी कि शिक्षा का जो मानसिक रूप में पूरे देश के बच्चों के ऊपर जो एक गलत मैसेज जा रहा है, साथ साथ और भी जो खतरनाक चीज़ है कि पूरे समाज को अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो नफरत की हवा वो भर रहे हैं और आग लगा रहे हैं, मैं तो समझती हूँ यही सबसे खतरनाक है। वरना जिस शख्स के आज भी केसेस लगे हुए हैं और आज भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो केसेस हैं, उनको अपने अध्यक्ष बनाए BJP, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। CPM में आज सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो में आपके पूरे ये कार्य के बाद महिला और औरतों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और बाकी भी आपके पार्टी के संगठन में भी महिलाओं का मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है? नहीं, मेरे कार्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन पार्टी के हर लेवल पर एक बिल्कुल जोर है इस समय कि महिलाओं के काम को देखकर पार्टी में उनको लीडरशिप पोजीशंस में लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो जहाँ 2 होते थे आज 8 है, जहाँ 4 होते थे सेंट्रल कमेटी में आज 12 है। तो इस प्रकार ये अनिवार्य है कि हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी डिसीशन मेकिंग बॉडीज़ और जिम्मेदारियों में, क्योंकि काम इतने कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो निश्चित रूप पर वो स्वीकृति की ज़रूरत है। और आखिरी सवाल, जो CPM भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक ही लक्ष्य से देखती है या उनको अलग अलग समझती है, और किस मुद्दे पर एक देखती है और किस मुद्दे पर अलग? देखिए, बात पहला ये है कि आज BJP और RS की अगर सरकार चल रही है तो सड़क को बनाने वाले कांग्रेस हैं, उनकी गलत नीति, उनकी आर्थिक नीति, और आज भी उससे सबक न लेकर वही गलत आर्थिक नीति जो कॉर्पोरेट की बायस है, वो आज भारतीय जनता पार्टी जो उस रास्ते के तेज़ी से चल रही है, कांग्रेस साथ साथ चल रही है। पार्लियामेंट में आज अगर 4 वो ला रहे हैं बिल्स, और अगर राजस्थान में ये सब कुछ ला रहे हैं, तो कांग्रेस की आवाज़ कहाँ है? कांग्रेस राज्यसभा में अगर मना करे तो ये बिल पास नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस साथ दे रही क्योंकि कांग्रेस की भी है। तो मतलब इस कामगारों के मुद्दे पे जो बिल लाए जा रहे हैं राज्यसभा में, उसमें कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है?
नहीं अभी तो वो बिल आए हैं और पहले तो बहुत ड्राफ्ट कांग्रेस खुद ही लाई है जो हम लोगों ने उसका विरोध करके रुकवाया. जो अच्छी चीज है वो अलग बात है, जो बुरी चीज है उसके लिए जो कांग्रेस ने बिल लाए वो भारतीय जनता पार्टी और उसमें जोड़कर तो आर्थिक नीतियों पर मानते हैं कि वो ज्यादातर उनकी जो नियो लिबरल पॉलिसीज है वो एक जैसी है. भारतीय जनता पार्टी और भी उस तरफ बढ़ेगी, मगर जो बाकी जो मुद्दे जैसे कम्युनलिज्म है, कास्ट है, जेंडर है, उसमें आप क्या समानता या फर्क देखते हैं? देखिए कांग्रेस ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म से हमारा कुछ लेना देना नहीं है. हम आरएसएस के विरोध है, हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के पीछे आरएसएस नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो अवसरवादी रुख है सेक्युलरिज्म के बारे में, जब वो सरकार में थी क्यों नहीं एक कानून लेकर आए जो गुजरात के 2002 की जो नरसिंहार था उसको रोकते, नहीं लाए? क्यों नहीं कानून लाए? क्यों नहीं गुजरात के तमाम केसेस जो आपके जैसे बहादुर व्यक्ति अपने पूरी जान को जोखिम में रखकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? मुझे पता है उस समय मैं पार्लियामेंट में थी, कितने बार हम लोगों ने इस सवाल को उठाया कि आप कीजिए इसमें, आप इंटरवीन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप अपने एडवोकेट जनरल या जो वहाँ हैं उनको कहिए. कुछ भी नहीं किया. जितने निर्दोष मुसलमानों को जेल में बंद रखा कांग्रेस ने उनके बारे में किया, क्यों? क्योंकि बीजेपी विरोध करेगी, बीजेपी सवाल उठाएगी, इसलिए कांग्रेस ने तटस्थ नीति अपनाई. तो मैं कहती हूँ उस टाइप का सेक्युलरिज्म से देश का फायदा नहीं है. ये जो सरकार बनी है उसके विरोध में जनता उठेगी? जनता उठेगी, जनता बहुत जल्दी उठेगी. जनता ने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए, वो 14% रेल भाड़ा, महंगाई, आज टमाटर का दाम 80 रुपया, बैंगन का दाम, दाल का दाम, चावल गेहूं सबका दाम बढ़ रहा है. अगर इस प्रकार के मोदी के अच्छे दिन हैं तो मोदी के अच्छे दिन इस देश में ज़्यादा दिन नहीं चल सकते. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आपको बहुत शुक्रिया.